सो वन सेकेंड, हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग कवर करेंगे जो अफ्रीकन बास्केटबॉल लीग का मैच होने वाला है, जो सेकेंड मैच होने वाला है पैट्रियट्स और फेरोवियरो डी मैपुटो के बीच। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लास्ट मैच का जो लाइनअप था ये टीमों में, प्रोबेबल लाइनअप आज क्या हो सकता है, और दोनों टीम के जो लास्ट मैच के बॉक्स स्कोर होंगे उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे जो पैट्रियट की टीम है उनके लास्ट मैच में लाइनअप क्या थी। ठीक है, तो लाइनअप फर्स्ट स्टार्ट किया था पी कॉशनर ने, के घसाना ने स्टार्ट किया था गाइस, पी अभय, डी एंडी सियाबा, और जो लास्ट में था संगबिया एस। ठीक है, तो ये 5 जन ने स्टार्ट किया था पैट्रियट्स के लिए। तो हम लोग उसके बाद में बात करेंगे जो सेकेंड टीम है, सेकेंड टीम है गाइस फेरवेरा मापुटो। ठीक है, तो ये टीम के लाइनअप अभी देखेंगे, ए बारू, ए काल्वो, डी होलैंड, एम काबोंगो, और लास्ट में है सी मुचाटे। तो ये दोनों टीम की जो लास्ट मैच की लाइनअप थी, और ये मैच में भी यही प्रोबेबल लाइनअप होगी 99.99%। अगर लास्ट मिनट में कोई इंजर होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे मेरे बता दूंगा, आपको टेलीग्राम को जुड़ने के लिए सर्च करना है सिर्फ रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन करके। ठीक है, वो सर्च करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो फाइनल अपडेट के लिए, फाइनल टीम जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको लगाने के लिए, जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जुड़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको दोनों टीमों की जो प्रोबेबल लाइनअप हो सकती है। अभी बात करेंगे जो लास्ट मैच था फेरवेरा मापुटो का, उसके बॉक्स स्कोर के बारे में। तो स्टार्ट किया था जैसे मैं बोला 5 जन थे, एम कोबोंगो था, ए बारू था, ए काल्वो था, डी हॉलैंड और सी मुचाटे। अगर आप ठीक से देखोगे ये 5 ही जन सबसे ज़्यादा टाइम खेले थे कोर्ट पे, और अभी ये कैसे क्वालिफायर मैच चालू है तो यही लोग खेलने वाले। तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग को आपको ये लोगों को मस्ट पिक करना है, ज़रूरी पिक करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे जो फर्स्ट प्लेयर है एम काबोंगो, 18 पॉइंट्स, 6 रिबाउंड, 7 असिस्ट, कुल मिला के 36 मिनट्स खेला था वो। उसके बाद में ए बारू, 17 पॉइंट्स, 10 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 31 मिनट। गाइस ए बारू के बारे में एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, ब्लॉक स्टील करने में माहिर है खेले, तो इसको एसपी और पीपी आपको ग्रैंड लीग में करना ज़रूरी है। ए काल्वो 17 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 33 पॉइंट। गाइस ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, एसपी और पीपी के लिए सबसे बेस्ट पिक होगा ये टीम में से, ए बारू के बाद में। ठीक है, बाद में है डी होलैंड, 10 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड्स, 9 असिस्ट, 29 मिनट्स खेला था ये। उसके बाद में है सी मुचाटो जो ये टीम का सेंटर है, उसने 9 पॉइंट, 12 रिबाउंड लिया था, 5 असिस्ट, कुल मिला के खेला था 32 मिनट्स। उसके बाद में था बी चिमोंजो, 8 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, कुछ असिस्ट नहीं दिया था, 12 मिनट खेला था। उसके बाद में आई चिरे, देख सकते हो आप 9 मिनट में 5 पॉइंट्स और 4 रिबाउंड्स। उसके बाद में है एस डिनिस, 5 मिनट खेला था, 2 पॉइंट, 1 असिस्ट। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो अभी क्वालिफायर मैच चालू हुई है तो मेन प्लेयर्स ही ज़्यादा टाइम खेलने वाले हैं इसमें, तो जो स्टार्टिंग के 5 मैंने बताया वो लोग को ही आपको फोकस करना है स्मॉल लीग एज वेल एज फॉर ग्रैंड लीग। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग सेकेंड टीम जो है पैट्रियट्स की। तो लास्ट मैच की बात करेंगे पैट्रियट की तरफ से, के घसाना, 22 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड्स, 8 असिस्ट, कुल मिला के खेला था ये 29 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद में है डी एंडिया सिबा, 13 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड्स, 30 मिनट्स खेला था कुल मिला के। उसके बाद में है एस सागाम्बा, 11 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड्स, 3 असिस्ट और कुल मिला के 18 मिनट खेला था कोर्ट पे। बाद में है बी कोस्टनर, अच्छा प्लेयर है गाइस, 8 पॉइंट्स, 6 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 29 मिनट्स खेला था। उसमें बाद में है एस हगुमिंतवरी, 5 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड्स, 13 मिनट कुल मिला के खेला था। बाद में है पी अर्बे, 5 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 19 मिनट खेला था। और आप नीचे नीचे देखोगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, 12 मिनट्स, 4 पॉइंट, 4 रिबाउंड। बाद में जो ए मुगाबे है, 3 पॉइंट्स, तो ये लोग को आप इग्नोर करना है क्योंकि क्वालिफायर मैच है, तो ये सो सबसे कम टाइम खेलने वाले प्लेयर है, उनको चांस मोस्टली नहीं मिलने वाला। तो स्टार्ट करेंगे वही ज़्यादा टाइम खेलने वाले। तो ये था दोनों टीम का जो लास्ट मैच का बॉक्स स्कोर था। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो मेरी टीम की प्रीव्यू होने वाली है ड्रीम इलेवन के लिए। ठीक है, तो टीम ड्रीम इलेवन के हम लोग टीम प्रीव्यू देखेंगे। तो अभी पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने लिया एम काबोंगो, बी चिमोंजो, तो ये दोनों को मैंने पिक किया है।
उसके बाद में अब देखोगे स्मॉल गार्ड सेक्शन में, शूटिंग गार्ड सेक्शन में मैंने लिया है एस अगुमेंटवारी और जे कोल को, जो क्रेडिट सेविंग के लिए बहुत अच्छा पिक आपको साबित होने वाला है। यहाँ से आपको दो अच्छे प्लेयर खेलते हुए देखेंगे, डी हॉलैंड और के घसाना, दोनों के क्रेडिट गाइज बहुत है इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया है। अगर आप चाहिए तो पावर फॉरवर्ड सेक्शन में से एक कालवा मासा को निकाल सकते हो, यहाँ से जे कोल को निकाल सकते हो और यहाँ हॉलैंड या फिर आप कसानो को स्ट्राइक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने जे कोल और मासा को लिया है क्योंकि गाइस ये जो इसका टीम है एफडीएम का बहुत स्ट्रांग टीम है गाइस, तो 5-3 के फेवर में ही आपको बनाना है। जैसे मैंने अभी आप देख सकते हो मैंने भी 5-3 के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाया है एफडीएम के पक्ष में। तो इसके बाद में एसएफ सेक्शन में बात करेंगे हम लोग। एसएफ सेक्शन में मैंने लिया है डी एनडीएजे को, यहाँ से आपको एस सागाम्बा भी बहुत अच्छा प्लेयर है खेलते हुए दिखेगा। बाद में हम लोग बात करेंगे पीएफ सेक्शन से, पीएफ सेक्शन में बहुत अच्छा प्लेयर है ए कालवा मासो, ए बारू, दोनों भी आपके लिए एसपी और पीपी के लिए बेस्ट पिक है। बी क्वेश्चनर अच्छा प्लेयर है गाइस, लेकिन क्रेडिट की वजह से मैं मेरे टीम में उसको नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद में सेंटर सेक्शन में आपको दो ऑप्शन है गाइस, बी वामुकोटा या फिर सी मुचाटे। फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूँ सी मुचाटे क्योंकि स्ट्रॉन्ग सीम से कंपेयर करने को अगर देखें हम लोग तो सी मुचाटे ज़्यादा टाइम खेलेगा बी वामुकोटा से, और अग्रेसिव प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग टीम से है, जैसे मैंने बोला कि पॉइंट देने की चांसेस भी इसके ज़्यादा होंगे। तो ये मेरी कुछ रहेगी गाइस टीम की प्रीव्यू। एसपी और पीपी के लिए मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा गाइस, ए बारू है, एम काबोंगो है गाइस, और थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके लिए ए कालवो मासा। तो आप स्मॉल लीग खेलो या फिर ग्रैंड लीग, आपको ये तीनों में ही एसपी और पीपी आपके रोटेट करना है। तो ये बात हमेशा याद रखना जो मैं आपको बोलता हूँ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग के लिए, ये तीनों में से टॉप स्कोरर होने वाला है स्मॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग जो आप खेलने वाले हो एसपी या पीपी, आपको ये तीनों में से ही रखना है। तो ये मेरी होने वाली है गाइस टीम की प्रीव्यू। फाइनल टीम जैसे मैंने कहा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, तो टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हो रोहित द हिटमैन ड्रीम 11 करके। तो आज के वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू गाइज़।